जसविंदर सिंह जी ने बताया होगा 17 मिनट में एक आत्महत्या हो रही है, तो क्या वो आत्महत्या है कि हत्या है? ये हत्या है, ये व्यवस्था से की गई हत्या है। और इस हत्या का कारण किसान का आलसी होना नहीं है कि नहीं सहन करेंगे, लेकिन पंजाब को अकेला अलग थलग करने की साजिश भी नहीं चलने वाली है, क्योंकि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हमारे मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, हर राज्य के किसानों ने देख और समझ लिया है। क्या समझ लिया है भाइयों अपन ने, कि आपकी मेहनत और आपके हाथ में जो प्राकृतिक संसाधन है, वो खेती हो कि जल हो, नदी हो कि पहाड़ हो, पहाड़ पर हमारे आदिवासी खेती ही है, केवल लुटेरू नहीं है और केवल मजदूरी तो बिल्कुल ही नहीं करते। तो ऐसे हर प्रकार की किसानी जो कि देश को आज भूख प्यास मिटाने में सहयोग दे रही है, अन्न सुरक्षा आपकी मेहनत और आपके हाथ में जो प्रकृति है उसके बिना कभी हो ही नहीं सकती, उस पूरे को ये नजरअंदाज ही केवल नहीं कर रहे, कुचलने जा रहे। और इनकी साजिशें यहां तक बढ़ चुकी है कि वो अब पूरी खेती की जमीन और अनाज की साठेबाजी, जमाखोरी, केवल मुनाफाखोरी का उद्देश्य ध्यान में रखकर, अडानी अंबानी हो कि जित्ताल मित्तल हो, ये कानून आने के पहले अडानी ने गुजरात में हजारों एकड़ जमीन अपने कब्जे में लेके रखी है। हमारे नर्मदा के जलाशयों के किनारे 40,000 लोगों का पुनर्वास करवा ही दिया, 20,000 को जमीन दिलवाई 35 साल के आंदोलन ने, लेकिन उन जमीनों में से भी ये खरीदने जा रहे हैं अपने दलाल छोड़कर। ये छोटे अड़ते नहीं है जो मंडी में थोड़ा सा भ्रष्टाचार करते होंगे, जो MSP के नीचे खरीदी करते होंगे, ये बहुत बड़े अड़ते हैं, ये बहुत बड़े दलाल हैं, और इनकी दलाली को छुपाते हुए मंडी के अंदर चलने वाले अड़ते और व्यापारियों को बदनाम करते हुए इन्होंने अडानी को पहले ही उजागर कर दिया, पहले ही बता दिया कि आप तैयारी करते जाओ तो अडानी का एग्रो लॉजिस्टिक्स क्या कहता है। उस कंपनी ने अभी पानीपत में कुछ 100-150 एकड़ जमीन लेकर